तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जारी है। महाआरती में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हुए। कुरुक्षेत्र से हमारी आस्था है, उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 22 तारीख को गृहमंत्री अमित शाह गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जारी है और मूलचंद शर्मा भी इस महोत्सव में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र से हमारी आस्था है, उन्होंने महाआरती में जो है हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 22 तारीख को गृहमंत्री अमित शाह गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे। इसमें सारे हमारे केंद्र और प्रदेश के सभी नेता और इसमें सभी लोग आते हैं, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे कांग्रेस से, सब लोग आते हैं। सब लोग अपने केंद्र जेपी नड्डा जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, मुख्यमंत्री जाए, उससे पहले उपराष्ट्रपति गए थे। तो ये क्या है कि यहाँ पर लगातार इस तरह कार्यक्रम होते रहते हैं जो संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती अवसर पर म्यूजिकल बर्बरिक नाटक और प्रस्तुति देने आई अभिनेत्री भाग्यश्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती अवसर पर आना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को पौराणिक ग्रंथों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अभिनेत्री भाग्यश्री ने कहा कि वो पहली बार गीता जयंती का हिस्सा बनने आई हैं और बर्बरिक नृत्य नाटक जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने प्रस्तुति दी है और आपको बता दें कि गीता जयंती महोत्सव में भाग्यश्री शामिल हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से ग्रंथों से जो है प्रेरणा लेने की अपील की है।